तब तक आप अपनी ताकत को मजबूत करके एक करके नहीं दिखाओगे, तब तक ये सरकार हो, वो सरकार हो, पीछे वाली हो, आगे वाली हो, आपको चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख गुजर हो, ईसाई गुजर हो, तब तक आपको रोंदा जाएगा। किसी ने इस राह पे चल पड़ेंगे तो हिंदुस्तान की सरकार क्या, मोदी सरकार क्या, जितनी भी हिंदुस्तान की जमातें हैं, वो आपकी दालेज पे आके, आपके घर पे आके, आपके चरणों में आके अपना सर रगड़ देगी इंशाअल्लाह। मैं यकीन से कहता हूँ, आप दोबारा सेंसस करा लीजिए, अगर हम पीछे हैं तो ये डायलेशन नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड बोला कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल ट्राइबल है जो दफा 370 से टूटने से उनको बड़ा फायदा होगा, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनको जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो नहीं मिला। हम तो बड़े गर्व से कहते थे कि ये देशभक्त सरकार है, इस देशभक्त सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुजरों का बड़ा हुक करना होगा, लेकिन हमें वो अंग्रेजों का दौर याद आया। कुछ लोग अपने देश की आजादी के लिए अपने खून का कतरा बहा रहे थे और कुछ अंग्रेजों की बूट पॉलिश कर रहे थे, कोई साजिश आज जम्मू कश्मीर के इन देशभक्त गुजरों के साथ जो बॉर्डरों पे अपना खून देते हैं, जिनके बच्चों ने, जिनकी माओ ने अपना खून दिया, उनके साथ वो साजिश चली जा रही है। इसलिए भाइयों, पाकिस्तान से जब गोलाबारी होती है, आप को शायद कम नॉलेज हो, लेकिन मैं उड़ी की बॉर्डर का रहने वाला हूं, यहां पुणे रजौरी के भी मेरे नौजवान हैं, पता है बॉर्डरों पे सिर्फ दो लोग रहते हैं, जहां पे बिजली और पानी और रोड नहीं, जहां पे अंधेरी अंधेरी है, उस बॉर्डर पे अपनी देश की हिफाजत करने के लिए सिर्फ दो लोग रहते हैं। पहली तो हमारी हिंदुस्तान के वीर जवान, हमारी सेना के लोग रहते हैं, और उस सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के ये पगड़ियों वाले गुज्जर और बकरवाल रहते हैं। तब जाके दिल्ली के ताज और तख्त पे आप राज करते हो, जब हमारी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, हमारे देश के सफाई की और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल की, तब आप दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में आराम की नींद करते हो। जिस दिन हम लोग हिफाजत करना छोड़ देंगे, तुम्हारी भी नींदें हराम हो जाएंगी, ये मैं जंतर मंतर से कह रहा हूं। मेरे भाइयों, हम जंतर मंतर से पूरे हिंदुस्तान के गुजरों को याद दिलाना चाहते हैं। 700 सदी से लेके 1200 ईस्वी तक हमारे गुजरों ने पूरे बड़े सगीर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे राज किया हुआ है। मैं अपने बड़े बड़े नेताओं को भी ये कहना चाहता हूं, और खास तौर पे उभरे हुए नौजवान खून को ये कहना चाहता हूं कि भाई, तब तक आप अपनी ताकत को मजबूत करके एक करके नहीं दिखाओगे, तब तक ये सरकार हो, वो सरकार हो, पीछे वाली हो, आगे वाली हो, आपको चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख गुजर हो, ईसाई गुजर हो, तब तक आपको रोंदा जाएगा। एक चीज की आप लोगों को आज शपथ लेके जानी होगी, यहां से जंतर मंतर से एक चीज का शपथ लेके जाना होगा कि हमारी तंजीम, हमारा जो नाम, हमारी जो कास्ट, हमारी जो पहचान है, वो सिर्फ एक होगी। क्या होगी? हाथ खड़ा करके सब लोग बोलेंगे कि हमारी एक, सब लोग हाथ खड़ा करके शपथ लेके जाएंगे कि हमारा नाम, हमारी तंजीम, हमारी कास्ट, हमारा सब कुछ होगा। सब लोग शपथ देते हैं कि हम सिर्फ गुजर हैं, हम सिर्फ, हमारी तंजीम गुजर है। मेरे भाइयों, जिस दिन हम इस चीज को लेके चलेंगे, जिस दिन हम इस राह पे चल पड़ेंगे, तो हिंदुस्तान की सरकार क्या, मोदी सरकार क्या, जितनी भी हिंदुस्तान की जमातें हैं, वो आपकी दालेज पे आके, आपके घर पे आके, आपके चरणों में आके अपना सर रगड़ देगी इंशाअल्लाह। मैं यकीन से कहता हूं भाई, हम जम्मू कश्मीर के नौ, मैं कश्मीर से हूं, उड़ी की बॉर्डर पे हूं, मैं उस बॉर्डर पे हूं जब 1965 का जंग हुआ, हमारी फौज के कुछ लोग शहीद हो गए, और उनमें हमारे एक सेना के कर्नल जो थे, वो पाकिस्तान की फौज की चुंगल में फंस गए। और पता है आपको, कमल कोट मारिया एक बॉर्डर का इलाका है, वहां पर रहने वाले जुमा कर्नल गुजर नाम के जो खटाना फैमिली से थे, उन्होंने कर्नल साहब को बचाया और लाके भर गए।
दिया, उसका नाम चुमा कर्ण निकला था, उसे रीत चक्कर से नवाजा गया था। मैं सरकार को, यहाँ जनसू के लोग भी होंगे, हमारी रगों में हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। जम्मू कश्मीर के हर गुजर की रग में हमारी सर, हमारा फकर, हमारी शान, हमारी देश की आन बान और शान, हम देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, करते थे और करते रहेंगे। लेकिन मिस जंतर मंतर दिल्ली की सेंटर से ओंकार भर के जाता हूँ, पीजीसी चेयरमैन अजय रफीक बलोच, मैं अपने पूरी गुजर समाज को यह कह के जाता हूं कि आने वाले दिनों में उड़ी की बॉर्डर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ी, एक बात याद रखना, यहां आके कल घर जाके भूल नहीं जाना पूरे गुजर। यह बहुत बड़ी लड़ाई है। सरकार थारो तमाशो देखे, सरकार थारो तमाशो देखे गोचरी में के, अगर तम सरकार के अगर नौजवानों फेल हो गया, सोशल मीडिया पर खाली कमेंट ना करता रही हो, आपने ग्राउंड लेवल से इंशाल्लाह इस 4 तारीख को हम बारामूला की बॉर्डर से शुरू कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हर हर गांव में जाएंगे, और हमने जम्मू कश्मीर की जितनी भी तंजीमें हैं, जो गुज्जर छोटी छोटी तंजीमें थी, उन्हें हमने सबको इकट्ठा करके गुज्जर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना के हम आगे गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जो गुजर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना के चल रहे हैं अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए। मैं नेता गण को कहूंगा मेहरबानी करके इन गुजरों के साथ खड़े हो जाइए, आप इंशाल्लाह नेता बनोगे, हमारे लीडर भी बनोगे। भाइयों एक बात कह के जाऊंगा, मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के गुजरों की लड़ाई में साथ दें, अगर हमारी आरक्षण चला भी जाए तो आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करना होगा, सरकारों को बदलना होगा। आने वाले खाली आरक्षण एसटी के लिए, एसटी के लिए लड़ाई मत लड़े, हिंदुस्तान का वजीर आजम इस कुर्सी पे आप लोग अपना बैठाओ, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके हमें लड़ाई लड़ेंगे। अपनी जबान की एक कैपिटल है और हमारी एक बड़ी शनाख्त है, जो शनाख्त आज महलूल हो रही है, जिसे आज डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों आपको यह समझना होगा कि रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में दी गई वो किन बुनियादों पर दी गई, क्या वो बुनियादें आज पूरी हो चुकी हैं, क्या आज जम्मू कश्मीर का गुजर जो वहां के सर्टन कम्युनिटीज है उनके बराबर है? बिल्कुल नहीं। आप 2011 का सर्वे उठा के देखिए, जम्मू कश्मीर में लिटरेसी रेट 17% है गुजरों बकरवाल्स की, जबकि वहां बाकी अन्य जातियों की जो लिटरेसी रेट है, जो उनका इकोनॉमिक कैपिटल है, वो उनसे कई गुना ज्यादा है। जैसे कि जो उनका लिटरेसी रेट है वो कम से कम 80% है। मेरा ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो जो लोग यहाँ सारे आए हुए हैं, आप दोबारा सेंसस करा लीजिए, अगर हम पिछड़े हैं तो ये डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। और ये डाइल्यूशन देखिए, हम 7.5% जो हमारा नेशनल रिजर्वेशन है भारत में, हम उसमें किसी भी जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने स्टेट के अंदर किसी भी कम्युनिटी को एसटी में दाखिल करने के खिलाफ हैं, और तब तक खिलाफ रहेंगे जब तक हम उनके बराबर नहीं हो जाएंगे। मेरे दोस्तों आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर के जिन शहरों पर आज आप चलते हैं वो गुजर बकरवाल की पगडंडियां थी जिनमें वो ट्रैवल करते थे। आज उनके जानवर, आज उनकी भेड़ बकरियां ट्रक्स में, ट्रक्स के नीचे आकर, ट्रांसपोर्ट के नीचे आकर मर जाती हैं, उनका एसेट हरा भरा है। क्या ये एसेट भारत का एसेट नहीं है? क्या गुजर बकरवाल की जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्या वो भारत की इकॉनमी में योगदान नहीं दे रहे? मैं आप सबके सामने एक स्लोगन दूंगा, स्लोगन है हम एसटी बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब बबूल बोया जाएगा तो बबूल ही पैदा होगा, वहां पर फ्रूट पैदा नहीं होगा। तो ये जो हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे जो 1947 के बाद 47 से जो शुरू हुआ कत्लेआम की राजनीति, उसके अंदर ये सारी पार्टियां लिप्त है, और इनकी ये सरपरस्ती इनके कंट्रोल में ये चलाई जाती है हमारे देश के बड़े सरमाएदारों के हाथों में, टाटा बिरला अंबानी के हाथों में। हर मुख्य फैसला कहां लिया जाता है? कैबिनेट में फैसला लिया जाता है। नोटबंदी से लेकर ये 4 जो लेबर कोड आने वाले हैं, हर चीज का फैसला हमारा मंत्रिमंडल लेता है, और मंत्रिमंडल किसके इशारे पे चलता है? हमारे देश के जो बड़े हुक्मरान है, टाटा बिरला अंबानी, इनके हुक्मरानों पे चलते हैं, उनके कहने के अनुसार चलते हैं। ये नीतियां जितनी लागू हो रही है उनके अनुसार लागू हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर एकता को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हथियार है हमारे देश में
हिंदू मुसलमान राइट्स करवाओ, ऑर्गेनाइज करो ताकि लोगों की एकता टूट जाए। अगर लोगों की एकता टूटेगी तो वर्किंग क्लास की एकता टूटेगी, वो मजदूर वर्ग की एकता टूटेगी, वो मेहनत कश वर्ग की एकता टूटेगी। ये एकता ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे देश के सरमाएदारों के लिए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, इस एकता को बनाकर और इस पॉलिटिक्स को समझकर कि जो आज हम समझ रहे हैं कि भाजपा चली जाएगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा या बीजेपी चली जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी तो कुछ भला हो जाएगा, नहीं साथियों, ये पिछले 75 सालों से यही पॉलिटिक्स चल रही है। किसी को मतलब ऐसे करने के लिए ये बाध्य किया जाता है। क्या गारंटी है? आज बहुत बड़ा शोर मचता है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो चाहे 1984 का दंगा हो, वो कहते हैं भूल जाओ। अरे बहुत पुरानी बात है, भूल जाओ भाई, कैसे भूल जाए? क्या हमारा संविधान ये गारंटी देगा कि कल किसी के साथ नहीं होगा ऐसा हत्याकांड? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट गारंटी देगा कि कल किसी के साथ ये हत्याकांड ऑर्गेनाइज नहीं होगा? या कोई हमारा संसद, कोई एमपी एमएलए, कोई हमारा संसद भवन ये गारंटी देगा कि किसी के साथ ऐसे हत्याकांड नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये राज व्यवस्था, ये स्टेट मशीनरी चलती उसी आधार पर है, सांप्रदायिकता के आधार पर चलती है। और मजदूर किसानों की एकता को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए ऐसे हत्याकांड आयोजित किए जाते हैं। साथियों, हम सब, जब ये कहा जाता है कि भूल जाओ, तो ये तर्क है उन लोगों के लिए कि कोई गारंटी है भूलने के लिए? और ये बेशक हम कुछ लोग हैं 1984 से लेके आज तक इस मुद्दे को जलाए हुए हैं, इस चिराग को जलाए हुए हैं, इंसाफ के चिराग को जलाए हुए हैं। साथियों, जो हम कह रहे हैं कि एक पर हमला सब पर हमला, और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा तब तक जब तक कि हम इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर देते जो सभी की सुख सुरक्षा की गारंटी दे, सभी मजदूर किसान एकता की गारंटी दे, सभी को मतलब रोजगार की गारंटी दे, सभी को स्वास्थ्य की गारंटी दे, सभी को नौकरी की गारंटी दे, तब तक ये संघर्ष हमें जारी रखना पड़ेगा। तब तक हम इस संघर्ष को चलाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।